हेलो एवरीवन, काफ़ी बच्चों ने हमसे पूछा कि इस बार हम टेस्ट सीरीज कब लॉन्च कर रहे हैं, यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज कब लॉन्च कर रहे हैं। एक्चुअली टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने के लिए डिले इस वजह से था क्योंकि एक्चुअल जो एग्जामिनेशन की डेट्स थी वो फाइनलाइज नहीं हुई थी एंड वी न्यू कि कुछ पैटर्न में चेंजेस होने वाले हैं, तो इस वजह से हमने एक्चुअल टेस्ट सीरीज की जो डेट्स है वो लॉन्च नहीं की थी। अब फाइनली जो यूजीसी नेट जुलाई 2018 का एग्जामिनेशन है उसकी डेट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, अभी जो मंथ चल रहा है वो है मई, और यू कैन से हाफ ऑफ द मई ऑलरेडी निकल चुका है। देन विल बी हैविंग जून एंड देन विल बी हैविंग जुलाई, मई जून एंड जुलाई। तो हमारे पास लगभग 2.5 महीने हैं और कह सकते हो 1-1.5 महीना है जिसमें हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। अब देखिए, जो टेस्ट सीरीज है इसका जो सोल पर्पज होता है वो होता है कि अपनी प्रिपरेशन को जज करना और अपनी कमियों को निकालना कि आपने अगर पढ़ाई की है तो आप कितने हद तक अपनी पढ़ाई में सक्सेसफुल हुए हैं और ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां पर आपको अभी दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत है या फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपने अच्छे से पढ़ाई ना की हो। तो टेस्ट सीरीज का एक मतलब सिर्फ यही होता है, अपनी कमियों को देखना, एनालाइज करना और एक्चुअल एग्जामिनेशन के सिनेरियो से अपने आप को रूबरू करना। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास वो हम सबसे पहले चीज़ है कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड और लेटेस्ट पैटर्न पर लॉन्च्ड है। जैसे कि आप जानते हैं पहले यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन था उसके अंदर 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जो पेपर 1 था वो नॉन टेक्निकल था एंड पेपर 2 और पेपर 3 दोनों टेक्निकल थे। लेकिन जुलाई 2018 के लिए यूजीसी नेट कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस पैटर्न को चेंज करेंगे और इस समय पर सिर्फ हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 है, जहां पर पेपर 1 1 घंटे का होता है जो कि नॉन टेक्निकल है एंड पेपर 2 हमारे पास 2 घंटे का होता है जो कि टेक्निकल है। तो बिकॉज पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वहां पर भी थोड़े बहुत चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो ये जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई है ये इसी हिसाब से बनाई है कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमने इस टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि हर एक क्वेश्चन के लिए, जैसे कि हर एक देर विल बी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हमारे पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और हर एक टेस्ट के अंदर लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। अब इन सभी 40 क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस हैं आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपका एक रिजल्ट जनरेट हुआ और उस रिजल्ट के जनरेट होने के बाद आपको लगा कि आपके फॉर एग्जांपल 50 में से 20 मार्क्स आए हैं, लेकिन वो 20 मार्क्स क्यों आए हैं, जो बचे हुए 30 मार्क्स हैं वो कहाँ पर चले गए। तो उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स करी, कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम थी। तो इसी वजह से हर एक सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर। सो एवरी क्वेश्चन विल बी हैविंग वीडियो सॉल्यूशन। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस होगी हर एक टेस्ट के अंदर, जैसे कि एज्यूम करो कि आपने डिजिटल लॉजिक एक सब्जेक्ट लिया। अब डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट के अलग अलग पोर्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास है नंबर सिस्टम, हमारे पास है सिक्वेंशियल सर्किट, हमारे पास है कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सो ऑन। एज्यूम करो आपने इस टेस्ट को दिया, इस टेस्ट को देने के बाद आपने 20 मार्क्स स्कोर किए। अब वो 20 मार्क्स का जो पैटर्न है वो अनइवन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने नंबर सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर अच्छा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक वाइज जो एनालिसिस है वो भी पॉसिबल है जो कि हम इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको दे रहे हैं, और ये टेस्ट जो है वो यूजीसी नेट एग्जाम तक आपके अकाउंट के अंदर एक्टिव रहेंगे। ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज किसने डिज़ाइन की, ये टेस्ट सीरीज उन लोगों ने डिज़ाइन की है जो ऑलरेडी यूजीसी नेट के टॉपर्स रह चुके हैं या फिर जो ऑलरेडी यूजीसी नेट JRF क्रैक कर चुके हैं। वी हैव अ टीम ऑफ पीपल हु आर JRF क्रैकर्स। ओके, और हर एक जो पैरामीटर है टेस्ट सीरीज का वो प्रॉपर एग्जामिनेशन के सिनेरियो के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। अब जो टेस्ट सीरीज है इसमें हमने 2 ऑप्शंस आपके लिए बनाए हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें आपको सिर्फ 18 टेस्ट मिलते हैं, और दूसरा ऑप्शन है जहां पर आपको 36 टेस्ट मिलते हैं। यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। हर एक टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट्स का एक टेस्ट होगा और उसमें 50 मार्क्स होंगे। तो ये 36 टेस्ट में भी ये चीज़ वैलिड है और 18 टेस्ट में भी यही चीज़ वैलिड है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास 18 टेस्ट होंगे उसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम रहेगा हर एक टेस्ट का, लेकिन जो 36 टेस्ट है वहाँ पर 2 डिफिकल्टी लेवल होंगे, एक होगा हमारे पास ईजी लेवल और एक होगा हमारे पास मीडियम लेवल। देखिए, जो एक्चुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होंगे वो ईजी और मीडियम लेवल के बीच के कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपको सिर्फ ईजी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको सिर्फ डिफिकल्ट
लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये जो मीडियम लेवल है दिस इज एक्चुअली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से स्लाइटली बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें होंगे, ताकि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन से अगर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छी होंगी कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस है आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ओके अब देखिए जो 18 टेस्ट हैं हमारे पास उनका जो शेड्यूल है वो इस तरीके से है। इस शेड्यूल का मतलब क्या है? इस शेड्यूल का मतलब ये है कि ये जो डेट्स हैं दीज आर पब्लिशिंग डेट्स। इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट है वो इस डेट को पब्लिश हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको टेस्ट इसी डेट पर अटेम्प्ट करना है, ये टेस्ट इस डेट पर पब्लिश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10th अप्रैल को जो टेस्ट पब्लिश हुआ है उसको आप 8th जुलाई तक कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी दिन के किसी भी समय आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10th ऑफ अप्रैल को ही अटेम्प्ट करना है, इसको कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये डेट है 7th ऑफ मे, यानी कि ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टेस्ट है 7th ऑफ मे को पब्लिश हो जाएगा, लेकिन 7th ऑफ मे से लेकर 8th जुलाई के बीच में आप इस टेस्ट को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके अब इसके बाद जो हमारे पास शेड्यूल है वो 36 टेस्ट का, ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा से शेड्यूल होगा ये। इसमें सबसे पहले जो टेस्ट होंगे सारे हमारे पास इजी लेवल टेस्ट होंगे। इजी लेवल टेस्ट के बाद जो अगला हमारे पास शेड्यूल आएगा वो आएगा हमारे पास डिफिकल्ट लेवल टेस्ट। यहाँ पर होंगे हमारे पास थोड़े से डिफिकल्ट या फिर कह सकते हो मीडियम लेवल टेस्ट, जो कि रिसेंट एग्जामिनेशन से स्लाइटली अबव होंगे। अब इनको भी आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ठीक है, अब इनको लेने का तरीका क्या होगा, टेस्ट सीरीज को अवेल करने का तरीका क्या होगा, आप जो 18 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है उसकी जो फीस है वो है हमारी 1600 रुपीज एज ऑफ नाउ। इनिशियली वी केप्ट द फीस एज 2000, बट फॉर डिस्काउंट पर्पजेस फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स वी आर गिविंग द टेस्ट सीरीज एट 1600 रुपीज। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए जो फीस रहेगी 1600 रुपये रहेगी, और जो 36 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है उसकी जो फीस है वो हमारे पास 2400 रहेगी फॉर फर्स्ट हंड्रेड स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको लेने का तरीका क्या है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाइए जो है www.gatelectures.com, आप इस वेबसाइट पर जाइए और यहाँ से डायरेक्टली बाय कर लीजिए टेस्ट सीरीज को, यहाँ से डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं फॉर टेक्निकल सपोर्ट के लिए। दूसरा तरीका है कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कीजिए, वी विल सेंड यू द पेमेंट लिंक। या फिर पेमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और इस नंबर पर या फिर इस नंबर पर ईमेल कर दीजिए, हम आपको बाय करने की डिटेल्स सेंड कर देंगे। ओके, अब देखिए टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक और पैकेज जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो है वीडियो लेक्चर्स के प्रिपरेशन का। दैट मीन्स आपको अगर इस काफ़ी एरियाज में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप क्लासरूम में जाएं, जैसे कि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडमान निकोबार से हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि तमिलनाडु से हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो असम से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, इंडिया की काफ़ी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर एक्चुअल क्लासरूम कोचिंग में जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रिपेयर करें। तो हमने जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं उसमें टोटल 4000 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं, और जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया और यूजीसी नेट टीचिंग असिस्टेंट क्वालिफाई किया, सो एटलीस्ट हाफ द स्टूडेंट जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया दे हैव टेकन आवर वीडियो लेक्चर्स। तो जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छी है, विच इज़ यू कैन से एक्सेप्शनल फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, आप चाहो तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अब जो वीडियो लेक्चर्स का सब्सक्रिप्शन है उसके साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ से आपको 18 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री मिलेगी। ओके, तो अब वीडियो लेक्चर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि 9821876104 है। इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए फॉर वीडियो लेक्चर सब्सक्रिप्शन। अगर ये नंबर ना मिले तो आप लास्ट में 04 की जगह पर 02 पर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन टेक टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई रियली होप दैट यू आर गोइंग टू डू वेल इन दिस पर्टिकुलर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो फॉर द स्टूडेंट जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम विच इज़ डिजीमेंटो एजुकेशन।
ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन. इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन जस्ट कॉल अस और कॉन्टेक्ट अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.